फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं इंटरडे ट्रेडिंग कैसे करें। अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट है तो जीरोधा के अंदर इंटरडे ट्रेडिंग कैसे करें। दोस्तों, इंटरडे ट्रेडिंग जैसा बहुत ही रिस्की होता है, सेम हाई प्रॉफिट रेशियो भी होता है। दोस्तों, विदाउट नॉलेज इंटरडे ट्रेडिंग मत करिए। इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, लेकिन इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी रहता है। दोस्तों, चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने लाइव इंटरडे ट्रेडिंग करने का प्रोसेस डेमो दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, मैं जीरोधा गाइड के अंदर आ चुका हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जो भी स्टॉक के अंदर अगर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे सर्च बार में जाके आप उस कंपनी को सर्च कर लिए। किसी भी स्टॉक, सपोज मान लीजिए अगर आपको SBI के करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है। आप बगल में प्लस आइकन पर क्लिक करिए, आपका सर्च बार में आ जाएगा। देखिए फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है। अगर आपको किसी भी स्टॉक के अंदर इंटरडे करना है तो सबसे पहले उस स्टॉक को आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद पहले आप प्लानिंग कर लीजिए, किस कौन सा लेवल पे बाई करना है, कौन सा लेवल पे सेल करना है, पहले से आप रिसर्च कर लीजिए। अभी आपके सामने मैं देखाऊंगा, जस्ट डेमो देखाऊंगा, लेकिन लाइव करके देखाऊंगा, ऐसा नहीं, लाइव बाय सेल करके देखाऊंगा इंटरडे। देखिए, सपोज मान लीजिए मेरे को LIC के अंदर बाई करना है। LIC पे क्लिक किया हूँ, टैप करने के बाद LIC आ चुका है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिला। देखिए एक ब्लू कलर का है दोस्तों, जो बायर का है। देखिए, लगभग 1,45,000 के आसपास यहाँ पे टोटल बायर देखने को मिला। बगल में उल्टा साइड में दोस्तों देखिए रेड कलर का है, वो है सेलर। 3,45,000 के आसपास सेलर, मतलब यहाँ पे सेलर ज़्यादा है। तो मार्केट के अंदर यहाँ पे सेलर का प्रेशर ज़्यादा है। जो दोस्तों, अगर मार्केट में सेलर ज़्यादा होगा तो मार्केट क्या होगा, ये बात सोचिए। सेलर इम्पैक्ट करता है दोस्तों मार्केट को अप डाउन करने से। तो दोस्तों, और भी ज़्यादा अगर आपको बेसिक आपको आइडिया चाहिए मार्केट किस तरफ जा सकता है, बेसिक आइडिया, तो यहाँ पे चार्ट व्यू चार्ट पे क्लिक करके आप चार्ट से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, मार्केट किस तरह मूवमेंट कर सकते हैं, आप यहाँ पर से कुछ आइडिया ले सकते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो भी देखा ऐसे ही होगा। चलिए, आप यहाँ पर से आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पे आप 5 मिनट 10 मिनट जो भी कैंडल आप सिलेक्ट करके यहाँ पर से आइडिया आप ले सकते हैं। चलिए, अभी मैं आपके सामने बाई करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले जहाँ पे बाई करना था वही उसके ऊपर टैप करिए। टैप करने के बाद उसको देखिए, पहले आप इंटरडे के अंदर एक फैसिलिटी भी है, आप पहले चाहिए तो सेल भी कर सकते हैं। सब लोग सोचते हैं दोस्तों बाई करना है, अगर आपको लगता है मार्केट गिरेगा तो आप पहले सेल करके बाद में बाई कर सकते हैं। तो आपके सामने दो फैसिलिटी है, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर ऊपर मिलेगा तो आप चाहे तो सेल कर सकते हैं, नीचे मिलेगा तो आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। तो आपको जहाँ पे मौका मिलेगा उस टाइम वो पहले कर सकते हैं। मैं आपको बाई करके दिखा देता हूँ। चलिए, बाई पे क्लिक कर लेता हूँ। बाई पे क्लिक करने का दोस्तों नीचे ऊपर में बहुत सारा ऑप्शन, रेगुलर, कवर्ड, AMO, आइसबाग, आपको उतना ज़्यादा मत देखिए। आप अगर नया है तो आप रेगुलर रहने दीजिए। अभी आपको कितना क्वांटिटी बाई करना है, सपोज मान लीजिए मेरे को एक क्वांटिटी बाई करना है, नहीं तो आपको मान लीजिए दो क्वांटिटी बाई करना, दो दे दिया। देने के बाद दोस्तों नीचे देखिए सेकंड ऑप्शन पर आपको देखने को मिला मार्केट। दोस्तों, मार्केट अगर ऐसा सिलेक्ट रहेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे तो कुछ ब्लर ब्लर देखने को मिला। अगर मार्केट ऐसा मार्केट सिलेक्टेड रहेगा तो मार्केट में जो भी प्राइस रहेगा उस प्राइस में आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे इंटरेस्ट सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने का स्विफ्ट बाई करोगे तो मार्केट में जो भी प्राइस है उस प्राइस में आपको बाई हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वांटिटी भरना है, सेकंड अगर आपको मार्केट प्राइस में बाय करना है तो मार्केट रहने दीजिए, नहीं तो अगर आपको अपना मन मर्जी प्राइस में बाय करना है, सपोज मान लीजिए 972.40 रुपया चल रहा है, आपको अगर मार्केट 970 रुपया में आएगा तब आपको लेना है, तो यहाँ पे आप एरर वाला ऑप्शन में क्लिक करिए। यहाँ पे आप अपना प्राइस चेंज कर दीजिए, जो भी प्राइस में आपको लेना है 970 कर दिया। करने का उससे नीचे दो ऑप्शन है, लॉन्ग टर्म तो छोड़ दीजिए, आपको तो इंटरडे करना है, तो इंटरडे यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी डिफॉल्ट। दोस्तों, नीचे जो स्टॉप लॉस ऑप्शन, एडवांस ऑप्शन दोस्तों, ये अभी मत देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा ये एडवांस लेवल का है, बाद में वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो बेसिक आप जान लीजिए, पहले क्वांटिटी रेगुलर सिलेक्ट है, क्वांटिटी सिलेक्ट कर लिया, कितना कौन सा प्राइस में आप में लेना है उस प्राइस डाल दिया, उसके साथ इंटरडे सिलेक्ट कर लीजिए। इंटरडे सिलेक्ट करने के बाद स्वीप टू बाई कर दिया। देखिए, स्वीप टू बाई कर दिया, आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। दोस्तों, अभी ऑर्डर का क्या कंडीशन है, नीचे दोस्तों देख लीजिए ऑर्डर बोल के ऑप्शन है वॉच लिस्ट के बगल में, ऑर्डर पे क्लिक करिए। ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ओपन ऑर्डर देखने को मिला, जो अभी हमने मैंने जो ऑर्डर डाला है LIC का, दो क्वांटिटी 970 रुपया, अभी मार्केट चल रहा है 972.50 पैसा। दोस्तों, जब मार्केट के अंदर 972.50 पैसा जाएगा, मतलब इस प्राइस जाएगा, तब ये बाई होगा, अदरवाइज ये ऐसा ही रहेगा। अगर आपको अभी तुरंत लेना है, सपोज मान लीजिए आपको तुरंत लेना है तो इस प्राइस को चेंज करना, मतलब आप थोड़ा सा नीचे ऊपर लगाना है, आपको लेना है तो इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई यहाँ पर से कैंसिल करके ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद आपको ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए, अगर आपको मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई ऑप्शन पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए अभी चला 972.90। अगर आपको सपोज मान लीजिए 972.85 पे लेना है
तो डाल दिया, इंटरडे सिलेक्ट है, मॉडिफाई ऑप्शन पे क्लिक का क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी ओपन, देखिए तो ओपन नहीं है, ओपन फिर से चला गया, एग्जिट हो गया। देखिए इसको अभी बाय हो चुका है, ऑलरेडी मैंने जो प्राइस डाला था 972.85 तो उसका नीचे आ चुका है, इसलिए मेरा ऑटोमेटिक बाय हो चुका है, जो प्राइस आया था बाय हो चुका है। दोस्तों देखिए इस अभी आपको पोर्टफोलियो में आ जाए, तो नीचे देखिए पोर्टफोलियो में आ जाए, पोर्टफोलियो आने के बाद दोस्तों अभी आपका लाभ लॉस देखा गया। देखिए दोस्तों एल आई सी में दो क्वांटिटी बाय किया था, अभी मेरे को 90 पैसे का लॉस दिखाई दे रहा है दोस्तों देखिए। और इससे पहले मैं होल्डिंग पे मेरा कुछ शेयर है, आज होल्डिंग के लिए मैं उठाया था एंजी लोन, वो आपको दिखाई दे रहा है, तो उसको मत देखिए। अब एल आई सी को देखिए दोस्तों, देखिए अभी अगर आपको लगता है प्रॉफिट हो चुका है, सपोज मान लीजिए 2-3 घंटे के बाद आपको प्रॉफिट हो चुका है, नहीं तो अगर आपको निकल जाना है, थोड़ा सा लॉस लेकर निकल जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको इधर उधर नहीं जाना है। देखिए दोस्तों इसमें फिर एल आई सी के ऊपर टैप करना पड़ेगा, टैप करने के बाद देखिए यहाँ पे ऐड ऑप्शन में क्लिक करके और भी ज़्यादा शेयर ले सकता है, नहीं तो एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक करिए। एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने सेम विंडो आ चुका है, देखिए सेम विंडो आ चुका है, सेम विंडो पे दोस्तों आप मार्केट पे जो भी प्राइस है उस प्राइस पे आप सेल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, स्विफ्ट सेल करके सेल हो जाएगा, नहीं दोस्तों आप अपना मन मर्जी प्राइस भी दे सकते हैं। सपोज मान लीजिए अगर मार्केट के अंदर सपोज मान लीजिए 80 में आपको सेल करना है, 80 के आसपास चल रहा है, तो इसको स्विफ्ट सेल कर दिया दोस्तों, देखिए ऑटोमेटिक सेल कंप्लीट हो चुका है, उस प्राइस में आ चुका था। देखिए अभी आपका ऑर्डर यहाँ पे है दोस्तों, देखिए एल आई सी 00 हो चुका है दोस्तों। इस प्रोसेस से आप किसी भी टाइम 0 के अंदर जाके इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं।